छत्तीसगढ़ पहुंच रहे कई प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजधानी रायपुर के टाटीबांध चौक में 300 से 400 की संख्या में आज मजदूर यहां पर पहुंचे हुए हैं। इन मजदूरों को ट्रक मालिकों और यूनियन के द्वारा विधायक विकास उपाध्याय के साथ मिलकर राज्यों की सीमा तक ट्रकों से पहुंचवाने का बीड़ा उठाया गया। इसके अलावा लंगर के सेवादार मजदूरों को खाना पीना खिलाकर ट्रांसपोर्ट ट्रक में बैठाकर सीमा तक भेजा जा रहा है। ले लिया और सरकार ने भी घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा और हमारे यहाँ से हमारे सड़क पर कोई पैदल भी नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने शुरुआत की और लगातार ट्रकों में जो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रकें जा रही है उसमें हम यहाँ के जो बाहर जाने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, उनको बिठाल कर भेज रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी छत्तीसगढ़ की धरती पर पैदल मत जाए, उसको उसके सरहद तक पहुँचाने का काम। आज हम राजधानी रायपुर के टाटीबांध चौक में खड़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे मजदूर यहाँ पर हैं और उनके लिए बाकायदा यहाँ पर स्वल्पा और खाने की व्यवस्था जो है वो करीब की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है रोड पर भी काफी जो मजदूर हैं वो बैठे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे काफी सारे बच्चे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी है जो रोड पे ही ऐसे ही लेटी हुई है। तो ये जो है दूसरे राज्य पर जाना चाहते हैं, इनके पहुँचाने की व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है। वो जो ट्रक है ट्रांसपोर्ट के, उसके माध्यम से इन्हें पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो ट्रक जहां जा रही है और वहां के रहने वाले मजदूरों से पूछा जाता है कि आप कहां जाएंगे, तो इस तरह से पूछकर उन्हें उस ट्रांसपोर्ट ट्रक में बैठाया जाता है और इस माध्यम से उन्हें उनके राज्य जो है भेजा जा रहा है। कैमरामैन रेखम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। मजदूर देश के भीतर